twice. It's time to, yeah, focus on the game. Let's get this party started once again. No more charge. Oh, and initial push करना चाहते हैं. Caramel all those spot हुए हैं, but Cam थोड़ा fall back कर रहे हैं. और भाई MLT की अगर बात की जाए, सीधा dive in into the side. एक बहुत ही fast execute आ रहा है B के ऊपर. And जो चीज हम message में कह रहे थे, 5v5 hitting simulator एक और बार देखने को मिलेगा. But antidote की एक बार planning देखिए. वो snake के round खेलना चाहते हैं. पता था कि यहाँ पर टनल की तरफ से प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं, तो उसी चीज को रिस्पेक्ट देते हुए ही इज प्लेइंग और स्पॉटेड आउट सोवा. और आपको केओ का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के राउंड थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा. और लेट्स सी, द म्यूजिक इज स्टिल टर्न्ड ऑन, बट ए परफेक्ट पिक बाय एनक्यू स्पॉट्स आउट अ प्लेयर. ड्रॉप फ्यूल इज बेटर. वाओ, 3k एंड द फोर्थ फॉर अजीज. ड्रॉप फ्यूल ने शुरुआत करी थी, तो अंत अजीज के 4k ने करा है. विनिंग, यस, लेट्स गो. एसेंट पे भी कुछ ऐसा किया था, यहाँ पे वही चीज चल रही है. बट इस बार एम क्यों एक प्ले बनाना चाहते हैं, बट अजीज उनको डिनाई करेंगे. ऑल द ट्रेड इज गुड एंड फॉल बैक कर चुके हैं इमीडिएटली. अब ए रेकॉन के पीछे टीम फॉलो अप करेगी. और बात वही है कि आपको एक इनिशियल फ्रैग मिला तो है, लेकिन वेपनरी तो अभी भी एमएलटी की बहुत ज्यादा सुपीरियर है. देयर इज अ गैप स्पॉटर्स, आई थिंक सो वॉल के अंदर है अपॉर्चुनिटी आवीके के पास, क्योंकि अपनी वॉल और विम की वॉल के बीच से अगर वो देखे तो शायद उनको एक पिक निकल सकता है. अच्छा लो, द प्रॉब्लम इज एंटीडोट इज 64 एचपी, ऑल्दो इनके पास फ्रैगमेंट और फ्लैशेस हैं. और क्या वो गैप का फायदा उठाएंगे? द आंसर इज गोना बी नो. विम आराम से साइड डिवाइड करेंगे, अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन दिलाएंगे. बट लोकेशन रिवील हो चुकी है, फ्लैश सेटअप है एंड अ पीक फर्स्ट डाउन द फ्रैग. कैरमेल ऑल्दो थोड़ा सा डैमेज जरूर दे रहे हैं, गुड फॉर वन. एंड अब अगर ये गलती से क्लासिक्स में एक और पिक ढूंढ लिया कैरेमिल की, तो चीजें बदल जाती है. बट ड्रॉ फ्यूल जस्ट सिस्टम डाउन. आरवी के ऑल दो गुड फॉर राइट क्लिक, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड लेंगे व्हेन यू आर इन द ब्रीज. लेकिन अब इस राउंड के अंदर रेकनिंग, दे हैव टू पुट समथिंग. कैरेमिल फिर से अग्रेसिव गए हैं बूस्ट पे एनक्यू खेलते हुए, बट बूस्ट दिखता है बट ये प्लेयर नहीं दिखेगा. क्या मारा है, हेडशॉट. ट्रेड अच्छा लिया जरूर, बट एनक्यू, ओ द डैश्ड फ्रैग करके नंबर जरूर यहाँ पे एडवांटेज में जा रहे हैं. लेकिन बात वही है कि एनक्यू इज डाउन टू 16 एचपी और ये राउंड अभी भी किसी पक्ष में टर्न किया जा सकता है. एनक्यू हैज अ परफेक्ट लॉक दो, ही इज गुड फॉर द थर्ड. और अब एंटीडोट इस 1v3 में फंस चुके हैं. पहला डुअल शायद जितना आसान रहेगा अगर सही एंगल देख रहे हो तो, बट एनक्यू इज जस्ट बेटर एंड क्रिस्पियर. अजीज के पास भी आ जाएगा उनका लीड स्टॉप, बट फिर से एक बार इमेन कंटेस्टेशन के लिए पुश. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरवी के होल्ड कर सकते वो बॉक्सेस, बट अ ट्रेड, डोंट पीक इवन नॉट. एक एक करके फ्रैग जरूर मिल रहा है, बट विम की हेल्थ एचपी देखिए, इट्स डाउन टू 45. बट एंटीडोट द परफेक्ट शॉट ऑन एलबीवाई. नंबर फिर से यहां पे अपने पक्ष में लेके जाएंगे. एंड ये सप्रेशन मेक श्योर करेगा कि आपका जो ए कंट्रोल है उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वाइपर वॉल जब तक अप होगी तब तक ऑलरेडी एमएलटी साइड का टेक ओवर कर लेगी. बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उस सिचुएशन के अंदर इन यूरो वाज योर लाइफ एंड दैट्स गोना बी एलबीवाई, क्योंकि जिस तरीके से एंटीडा का हीरो पॉइंट आया है बट आरवीके द स्पेस इज गोन बिग. बट चलो डैमेज देखेंगे, वो बच गए अजीज भी. ये क्या प्लेयर है भाई अजीज, 1 एचपी पे बच जाते हैं. अश्वथामा, you can't. No, you can. Finally, but at what cost? Guardian LBY के हाथों में, बाकी दो sheriffs. अब ये है थोड़ी economy की बात. Rawfuel के पास आ सकता है उनका Hunter's Fury. Frostmind also can get a neural theft or antidote, बस दो ultimate also be for his new null command. Here. Mid पे किसी ने कुछ tension नहीं दिखाई है. From both the sides, by the way. ये एक्सपेक्ट करेंगे या अब तो जरूर, अब तो आपका साउंड मिल गया ए पे. जल्दी से आप बी पिवट किया जाएगा. अरे बी पिवट रोकने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं कैरेमिल के पास, सिर्फ एक ट्रिप एंड कैम होगा साइड में. लेकिन क्या ही कर लेंगे जब शेरिफ हाथ में, वो चीज जरूर सबसे ज्यादा मुश्किल रहने वाली है. वीकर वेपनरी, अगर एक वन टैप मिल जाए तो शायद कहानी बदल जाती. लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन में वो भी खेल गए और एक और बार 5v5 पर रीटेक. आवी के कैनन से जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन देयर इज अ स्पाई कैम एंड ऑब्वियसली, अरे स्पाई कैम पे शॉट ना मिस करें आप. ट्रेड के लिए खेल सकती है पूरी की पूरी टीम, बट एंटीडोट सो लकी, फ्रैगमेंट से बच जाएंगे. स्मार्ट प्ले मैं तो बोलूंगा,
और अजीज द ऑप या इट्स नॉट हियर सेव करो भाई ऑप हर शॉप सेव कर रहे हैं लेकिन आरवीके हैज टू फाइट इज ट्राइंग टू प्ले सम एग्जिट ठीक है इक्के दुक्के अगर एग्जिट मिल जाए तो बेटर है बट जो सिनेरियो चल रहा है यहां MLT से वन वे ट्रैफिक बिल्ड अप करती जा रही है प्रेटर स्पॉट करी इमीडिएटली बी पे पिवट किया वेपन रि गेट आउट ऑफ माय वे आई थिंक फ्रॉस्टमाइंड को ऑफगार्ड पकड़ा जा सकता है बट चलो वो हरकत करेंगे तभी एक पॉइंट आया क्लोज का स्नेक फाइट डिसरिस्पेक्टर के अजीज आगे न्यूरल थेफ्ट आया है और आरवीके डन इससे पहले राउंड की शुरुआत होती हंटर्स फ्यूरी ऑनलाइन होती अजीज ने काम कर दिखाया एक और प्लेयर स्पॉट करा है मिसिंग दोस प्लेट्स एक बचा है बट रॉफिल एंड फ्रॉस्टमाइंड जस्ट डूइंग द जॉब परफेक्टली अजीज वॉक ऑफ कर रहे हैं एक सिंगल ब्लेड और शायद सिंगल हेडशॉट नो मिसेस बट द राइट क्लिक टू अलाउ चलिए एक डैंक और हर्ष को फाइनली फ्रैग को मिलेगा लेकिन राउंड जब तक खत्म हो चुका है फिर से उनके कंधों पे बहुत ज्यादा प्रेशर फिर से बूस्ट खेलना चाहते हैं वो नॉट बूस्ट दिस टाइम बल्बो खेल रहे हैं टनल्स अच्छी चीज ये यू नो वेयर द सेटअप्स आर बट फिर से फ्री साइड बट हे हर्ष टेक्स डाउन वन टैग हो चुके हैं इनक्यू बचते हुए बट हर्ष विद द सेकंड इन्होंने दोनों टनल से निकाले हैं स्पार्टस जी अजीज पे प्रेशर है अब ही हैज टू डिलीवर द शॉट अभी के लिए मिस होगा लेकिन अगेन रीपोजिशन परफेक्ट वे ये बहुत अच्छा एंगल हो सकता है इनके लिए ऑल द हंटर्स फ्यूरी से इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ही हैज टू फॉल बैक लेकिन उसके बाद अगर यहां देखें रेकनिंग नंबर्स एडवांटेज भी है लेकिन वेपनरी के नाम पे दो शेरिफ से एक गार्डियन प्लेस्ट्रॉम पे बहुत ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा इस राउंड में या फिर हर्ष की और शेरिफ जिसने दो फ्रैग दिलाए थे अगर तीसरा भी मिल जाए तो चीजें बदलेगी लेकिन एक बहुत अच्छा फ्लैश एंटीडोट का एंड उसके ऊपर दो फ्रैग उनके तो तीसरा अजीज का और राफ्यूल विद दैट क्लीन अप ऑल्दो न्यूरल थेफ्ट है दोनों तरफ से बट पिक्स की तरकार है सिमिलर कुछ चेंज ही नहीं कर रही है एमएलटी उनको पता है प्लेयर आएगा हमारे सामने हम वील जस्ट ट्राई टू पनिश हिम अच्छा जीरो पॉइंट बाय द वे हर्ष डोंट बी कॉकी पता लग गया बर्न दो खिलाड़ी दिख गए हैं यहाँ लेकिन बात ये है कि जिस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी मूव इन कर रहे हैं लेकिन क्या करती हुई नजर आएगी वो देखना पड़ेगा बट एनक्यू विद दैट ऑपरेटर फाइनली वैल्यू दिलाएंगे उसके साथ अजीज का एलिमिनेशन मेक श्योर करेगा कि ये जो एग्जीक्यूट आना था एमएलटी का वो थोड़ी देर के ठंडा पड़ जाए तो भाई आप तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये प्लेयर आएगा नहीं एक और फ्लैश पीक एंड आरवीके इज डन दिस मैन इज जस्ट अ परफेक्ट प्लेयर हर्ष अरे वो वॉल में ही फंसे रह गए और इस बार वॉल का थोड़ा स्लाइट डिफॉल्ट चेंज था क्योंकि वो हुई थी एल्बो से पहला पिक मिला जरूर और फिर से आप देखिए फर्स्ट ब्लड फिर से रेकनिंग को मिला है बट दे लॉस्ट द राउंड मोमेंटम ही नहीं आ पा रहा है एक साथ की होती हुई स्कोर लाइन इस समय दोनों के दोनों प्लेयर्स विल सेव द वैंडल्स एंटीडोट ओह माय गॉड एक समय पर जब हमने बोला था हर्ष आईजीएल साहब मार रहे हैं इधर तो सेम हो रहा है एंटीडा भी बोल रहे हैं मैं पीछे कैसे हटूं नो लॉकअप प्ले कभी अलाउ ही नहीं होना चाहिए पी के ऊपर आपको वैल्यू इतनी ज्यादा मिलनी नहीं चाहिए लेकिन इस राउंड में बात वही थी कि साइफर सेटअप शायद ए पे लगाया गया था एक्सपेक्ट करके कि फास्ट ए ज्यादा बेटर चल रहे हैं एमएलटी के उन्हें काउंटर किया जाए बट एंटीडोट just red reckoning like a book but now ANQ finally the fight down mid I think thought the same hai yahan pe hamare kyunki mid fight karne ke liye is bar do khiladi ki position dekhiye ek elbow push ke liye mark dena hai ek bilkul under tube baithe hue bahut acha angle hai ANQ ka lekin ye one and done angles hai agar yahan se bach ke nikalna hai to bahut hi zyada dua karni padegi ki isolated duel hi mile agar mile to caramel ko padhna hai is round mein kyunki caramel ki trips bahut important hai उसके ऊपर वो खेल सकता है ये प्लेयर लेट्स सी स्पार्टस टेक ऑन द साइड 0 पॉइंट आया कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली एंड कैरमेल टेक डाउन वन हिट सर्टली वेल बट एंटीडोट ओ माय मैन दिस मैन इज अनस्टॉपेबल तीन राउंड में 6 फ्रैग निकाल चुके हैं ये डबल आफ्टर डबल आफ्टर डबल नाउ एलबीवाई क्लोज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इमीडिएटली शटडाउन होंगे और देखते-देखते ये 2v4 से 1v4 हो चुका आरवीके के लिए ही इज गुड फॉर वन दो बट एंटीडोट विद दैट 4k जब आप आउट ऑफ द ब्लू कुछ लेके आते हैं तब परेशानी है एमएलटी जैसी टीम्स के लिए वरना उनके पास अपर हैंड है शायद रेकनिंग के लिए ये सबसे बड़ा सबक रहेगा कि जैसा कॉम्प इन्होंने आइस बॉक्स पे बनाया है बाकी मैप्स पे भी वैसे ही कुछ क्रिएटिव कॉम्प्स लेके आएंगे तो शायद फ्यूचर मैचेस में आसानी मिल जाए आउट ऑफ द बॉक्स तो आपको भी थिंकिंग करनी पड़ेगी बट चलिए अभी के लिए इस राउंड में ज्यादा कुछ है नहीं दो वैंडल्स हैं कैरमेल के हाथ में एक और
एक हर्ष, चलो एएनक्यू आप गए। 3-2-1 बूम, इजी रहा, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं थी। अजीज ने पिक निकल चुके हैं फ्रैगमेंट से, इवन स्टीवन है सिचुएशन, बट वंस अगेन द वेपनरी इज मोर इंपॉर्टेंट। एंटीडोट फंस चुके हैं यहां पे, ओ जस्ट वनरेबल, लेकिन वो शॉट आउट करने तो दिखने बट बट एलबी भाई, ही इज गुड फॉर द थर्ड। यहां एलबी वाले राउंड सा पलटा है एंड चौथा भी मिलेगा, एंड हर्ष विद द वाइप आउट। एक राउंड जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां पे रेकनिंग निकाल के लेके जाएगी, उसमें एलबी वाई विद द शेरिफ 4 किल्स निकाल के गए हैं। पिलर एक दिया बैक ऑफ साइड और एक दिया एली, लेकिन उसके बावजूद पूरी टीम जा रही है मिड। By the way, Viper wall नहीं करी है Spartans, that's a point yes. We should focus on mid split and rotation draw कराना चाहते हैं इस समय, शायद इक्का दुक्का player मिल जाए, operator कहीं ना कहीं find की जा सकती है, and that was the equation perfectly read by NQ, CU का shutdown करा, spare head यहाँ break हो चुके, लेकिन फिर the close angle gets one, but RVK does the damage control, एक एक करके frags ढूंढे हैं, और reckoning अपने तीसरे round की तरफ बढ़ रही है। ओपन में खड़े थे इस बार एंटीडोट, पकड़े गए, राउंड निकलेगा, ऑप बचेगी, रॉ फ्यूल टॉच द रिकॉन, यू कैन स्टिल डू वंडर्स। हम देख चुके हैं इस प्लेयर को कई बार करते हुए, 55 एचपी है, लेकिन ओ जाते जाते एक निकाल के गए, सपोर्ट दिखाएंगे हर्ष, और मिड से पूरी की पूरी टीम जाती हुई डबल डोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वे। द ए स्प्लिट कम्स इनटू प्ले, बहुत क्लीन ए स्प्लिट साइड के एंकर्स के लिए, चोक से देखना पड़ेगा किस तरीके से बचना है, पॉसिबल रहेगा डुअल ले जरूर है एलक्यूआई, लेकिन कुछ मिलने रहा है एनक्यू पे, अगेन डिपेंडेंट होना पड़ेगा, नहीं एनक्यू विल डिलीवर एक फ्रैग उनका, दूसरा एलबीवाई तो तीसरा फिर से एनक्यू, और देख और ढूंढेंगे यहां एक फ्लॉलेस राउंड रेकनिंग के पास, और हैंड रेकनिंग चाहेगा कि अपने अटैकिंग सीक्वेंसेस को बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करे, उसी के चलते मिड पे वापस और डाला इन्होंने, सो मिड टॉप का कंट्रोल यहां लेना चाहते हैं, एंड वॉक डाउन करना इतना लंबा स्पेस आई डोंट थिंक पॉसिबिलिटी होने वाली है, स्पेशली इन द पिस्टल्स 0 पॉइंट तोड़ दिया उन्होंने, इतने ज्यादा प्लेस परफेक्टली सेटअप थे। एक चीज है इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा, यूजुअली हमने देखा है कि प्लेयर्स टेक्निकली यू नो वो टनल एल्बो कंट्रोल लेने लगते हैं, बट अजीज स्टिल होल्डिंग द टनल्स, उनको पता है कि ए क्रॉसिंग होगा और ए स्प्लिट हो सकता है, ही इज नॉट रॉन्ग इन दैट, एक प्लेयर स्पॉट कर रहा है बट ही फॉल्स बैक, बट एक लीक है जिसको एक्सप्लॉइट करा जा सकता है भाई आरवी के, क्योंकि जो ट्रिप वो एंट्री की नहीं है, उस प्लांट के डिफॉल्ट के अराउंड है, क्रॉसिंग पे है, लेट्स सी हाउ ही विल इवेंचुअली जस्ट यूटिलाइज दैट। दोनों प्लेयर डबल एंकर बैक साइड, और ये किल ट्रिप का फायदा मिलना चाहिए अगर ये डैश इन होते हैं तो, ये भागते हुए आएंगे तो जरूर फंसाया जाएगा, बट एनक्यू इज जस्ट स्मार्टर, बैक साइड का पहले कंट्रोल आइसोलेट करना चाहते हैं सारे डुअल्स को, और हर्ष काफी क्लीन वहां जीता जरूर अपना फ्रैग, बट अजीज ही स्टिल एंकरिंग, एक एक करके अजीज यहां पे प्लेयर्स को गिरा रहे, बट आरवी के दूसरी तरफ से मेक श्योर करें नंबर्स बराबर रहे, और अभी भी वो सिचुएशन वैसे हाइस करिए, बट एंटीडोट एंड विम अ परफेक्ट पीक गेट्स अ सिंगल फ्रैग फॉर ईच, बट नाउ कैरेमिल 13 सेकंड और दो खिलाड़ी सामने, 10 सेकंड्स लेफ्ट, इधर यू प्लांट इधर यू होल्ड व्हाट एवर द सिचुएशन इज अगेंस्ट यू, प्लांट के लिए गए जरूर है, अलाउ करा है, डबल पीक होगा जिसके अंदर उनको इंडिविजुअल फोर्स करना पड़ेगा, कैरमिल पिलर के अराउंड खेलना चाहते हैं, स्पॉट करा है प्लेयर को, एन एंटीडोट व्हिच इज हिटिंग द हेडशॉट्स वंस अगेन, और या जिस चीज की चिंता थी वही हमारे सामने होती हुई, हर्ष ट्राइड इज बेस्ट, उन्होंने होल्ड करा था एक्सट्रीम टॉप की तरफ, वहां से एक पिक निकाला था, दूरी रहेगी एमएलटी के लिए टू सिक्योर द मैप विक्ट्री, प्रेशर ऑल अराउंड और एक भी चीज लग नहीं रहा है कि रेकनिंग को फेवर कर रही है समय। ट्रिप में यहाँ पर फंसे जरूर थे एनक्यू, और भाई ये लो रिकॉन और परफेक्ट आ गया, ऊपर से स्पाइक एम आई थिंक थोड़ी देर में ही टूटा है, अच्छा स्पैम कनेक्शन, रॉफ्यूल 20 HP, स्पाइक एम अभी तक नहीं टूटा था, लॉल एंटीडोट बाय द वे बैक इन से आएंगे, स्पाइक एम फाइनली तोड़ते हुए, और पीछे एंड पे खेलना चाहते हैं आरवी के, आरवी के पे एक स्नेक बाइट है तो उसपे खेला जा सकता है बाय द वे, एंड फॉल्ट पे एक प्लेयर चुपके बैठा है, बट फ्रॉस्ट माइंड व्हाट फॉर दिस एलबीवाई, ये तो उनको पता भी नहीं चला होगा कि स्नेक बाइट आया कहां से, आरवी के ऑल दो लाइन अप लैरी थोड़ा करना चाहते हैं, बट ही इज द लास्ट पे स्टैंडिंग, विल गेट शट डाउन, विम एलिमिनेट करेंगे फॉर हिज 3K, और 10वां राउंड मिलेगा यहां पे एमएलटी को, बहुत ज्यादा क्लीन रेकनिंग
क्या बदलना पड़ेगा अपने फुल बाय राउंड में। स्पाइक कैम तोड़ने में आपको बहुत टाइम लग गया, बट चलो। गुड फ्लैश ओ अजीज, शॉर्ट लैंड आते तो चीजें अलग होती, बट खुद ही क्या डिंक खा के गए हैं। कुछ किस्मत वाले रहेंगे कि वैंडल डिंक से भी 140 एचपी गई है। बट नाउ दिस आउटलॉ स्टिल कैन डू सम वंडर्स, एंड अभी के लिए अगर यहां देखिए कमिंग इन द साइड, विजन बिल्कुल डिनाइड है लेकिन साइड मिल जाएगी, बट एंट्री और थ्रू द स्पैम एनक्यू को ढूंढा, और ये पहली ओपनिंग बहुत ज्यादा खेलने वाली है टेक्निक के खिलाड़ियों को। इन्फो गई और अब स्पैम में ही आपको निपटाया जा सकता है, बट एंटीडोट ही स्टिल स्टैंडिंग। और इस सिचुएशन के अंदर अगर आपका प्लान निकल रहा है तो आपके लिए काम तमाम है। स्नेक वाइल्ड से कितना ज्यादा डैमेज हो चुका है, ड्रॉप फिल सिक्योर्स वन, बट एलबीवाई एंटीडोट को शट डाउन करेंगे स्पाइडर्स। नंबर्स बराबर है लेकिन वेपनरी कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी किस तरीके से डील की जाती है। वेम एंड रॉ फ्यूल एक एक करके फ्रैग निकाला, बट फ्रॉस्टमाइंड ही इज गुड फॉर वन मोर, 2v1 और एडवांटेज एमएलटी के पक्ष में। एक बॉडी शॉट शायद काम खराब कर देगा और ये स्पेक्टर, बट अभी के लिए आरवी के डिनाइज दैट। 1v1 प्लांटेड नहीं है यहाँ पे, पीछे से खेलना पड़ेगा। द शेरिफ कनेक्ट्स एंड फ्रॉस्टमाइंड बोनस कन्वर्जन एमएलटी के लिए, और रेकनिंग इनकी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया है। स्कोरलाइन भी यहाँ पे कुछ कल जैसी दिखाई दे रही है, एंड रॉ फ्यूल हल्का सा एडी पीक सीधा प्री फायर, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खिलाड़ी शायद स्कैन कर रहे होंगे ऊपर चढ़ के, सीधा हर्ष को वापस भेजा है। ये ओपनिंग ड्यूअल मेक श्योर कर रहा है कि एमएलटी के जो एडवांटेज ऑड्स हैं वो और बेटर रहे। ऑपरेटर वर्सेस एनक्यू, हाँ शोल्डर दिखाओ, शॉट भी लगाया अजीज ने, परफेक्शन फ्रॉम दिस गाय, और यही चाहिए था इन्हें। बट कैरेमिल डज द डैमेज कंट्रोल, फिर से यहाँ पे ऑपरेटर को रिपीट करने से रोका, बट नाउ एंटीडोट जस्ट वॉक्ड इन, कवर दिया विम्प को, और ये राउंड भी गया समझो। 2v4 है रेकनिंग के लिए, और रीच के बाहर जा चुकी है सारी चीजें। अब साइड पे जो एंकर है ही स्टिल देयर, अब उनके तो अभी चीजें भी टेस्टेड नहीं हुई है, और आपके पास भले ही KO है बट उसका 0 पॉइंट नहीं, सो यू कांट डिनाई हिम टू। कैरमल विद द न्यूरल थेफ्ट इन एन अप्रोच इन हिज हेड, बैक पीछे से आएंगे एंटीडोट, ट्रैक निकालेंगे एंड ड्रॉ फ्यूल, नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। इस राउंड के अंदर तीन गार्डियंस, चार गार्डियंस बाय द वे, एक बुलडॉग, आरवी के अल्ट पॉइंट लेंगे तो अल्टीमेट आ जाएगा। एंड एक बार जरा देखो वेयर अजीज इज, ये प्लेयर भूल चुका है कि अटैक नहीं कर रहे है, मेन गए खुला पीक कराए वापस आए। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस समय, उन्हें पता है कि बी साइड पे कोई नहीं है, ऊपर से साइफर ट्रिप का कैंप भी लगा हुआ है, वो भी कितना ज्यादा डीप कि कोई भी लेट लर्कर भी उनके डिटेक्शन में आ जाएगा। पिन डाउन कर रखा है, अब सिर्फ मिड है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, अगर रेकनिंग के पर्सपेक्टिव में देखें मिड एक्सप्लोरेशन से देखते हैं कितनी वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये जो बैक साइड पे विम खेल रहे हैं इनके स्नेक बाइट्स बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं अगर डबल डोज का स्प्लिट आता है तो, और पेयर अप करने के लिए क्रॉस पॉइंट है ही। क्रॉसिंग करते हुए 0 पॉइंट आया जरूर है, डिटेक्ट हुए हैं एंटीडोट, पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर्ष मीनवाइल रॉ फ्यूल को पिक करेंगे जो कि स्टीयर्स खेलना चाह रहे थे, एक और प्लेयर है बट हर्ष विद सेकंड अजीज समहाउ मैनेजेस टू टेक डाउन आरवी के, आपकी डिनाई हो चुकी है, वो वाइपर स्प्लिट क्रॉस माइंड चेक करेंगे क्लोज एंड ही टेक्स डाउन वन मोर, लोकेशन रिवील हो चुकी है क्योंकि न्यूरल थेफ्ट आपकी ऑनलाइन होती हुई। स्पाइक प्लांटेड रेकनिंग इस राउंड में तो चलो जीत हासिल कर सकती है, बट अजीज ही स्टिल देयर और बहुत लंबा फ्लैंक चेक करने जा रहे हैं, फ्रॉस्टमाइंड 20 एचपी है उनके पास। Thank you. Wait. Oh, the timing. Now this is done. This is done. ANQ is shooting and ये हो चुका है यहाँ पे काम तमाम। चलिए ये राउंड चाहिए था MLT रेकनिंग को, और MLT still एक राउंड दूरी है, लेकिन ये ऐसे एक एक राउंड थोड़े अवॉइड करने पड़े क्योंकि गार्डियन के साथ जो वैल्यू निकाली है अर्श ने वो मिलनी नहीं चाहिए थी। टैग हुए थे सबसे पहले एंटीडोट, उसके बावजूद पिक करा गया विम्प को, विम्प को खेल एक करके आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा चीज आसान रहेंगे, बट अजीज ये शायद अलाउ ही ना करें क्योंकि ये साइफर कैंप भी लगा दी, लेकिन अजीज की पोजीशन अभी भी नो नहीं है। ट्रिप तोड़ के फॉल बैक किया जा सकता है लेकिन ट्रिप फंसे तो मुश्किलें हैं, टाइमिंग का पूरा खेल और टाइमिंग फेवर करेगी अजीज को। ओपनिंग ढूंढी है एमएलटी ने एक और बार, और कैरेमिल के रूप में खिलाड़ी बाहर। यू हैव one thing and that is the viper spit,
जिसके अराउंड आप थोड़ा सा प्ले बना सकते हैं। एल बी वाई का नल कमांड एंड हर्ज का हंटर्स फ्यूरी। मिड फिर से यहाँ पर कंटेस्टेशन मिलाना चाहते हैं। एंटीडोट एंड विम्प वंस अगेन स्टिकिंग टुगेदर। टैग हो चुके हो भाई। अब आएगा थोड़ी देर के लिए डिले, बट हर्ज विद द ऑफ। वेट अ मिनट, सिक्योर्स इट इवन स्टीवन। एनक्यू स्पॉटर्स परेशानियां। ओ द जंप एंड एनक्यू कनेक्ट। ट्रेड लिया जरूर रॉफ्यूल, लेकिन ये ड्यूअल एलबीवाई का बहुत इजी। बहुत लो एचपी रॉफ्यूल विद दैट थर्ड एंड दिस लुक्स लाइक द 13th फॉर एमएलटी। 1v5 में फंसा दिया रॉफ्यूल।